वेलकम टू माय चैनल। आज का क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू इंटीग्रेशन 2 to 3 रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको हम आई मान लेते हैं, इसका एक नाम ले लेते हैं आई, 2 to 3 रूट एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट फाइव माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कह रहा है अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारे पास है तो हम इसको बदल सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स में, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो हम यही चीज़ ऊपर भी करेंगे, आई इक्वल टू 2 to 3, इधर हम क्या करेंगे 3 + 2 करेंगे माइनस एक्स करेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 + 2 माइनस, इधर x क्या बन जाएगा ये 5 - x प्लस 3 + 2 माइनस एक्स। आगे करेंगे 2 to 3 5 - x डी एक्स 3 + 2 5 - 5 कट जाएगा और रहेगा बस माइनस माइनस प्लस एक्स रहेगा, प्लस इधर होगा 5 - x। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे 2, इसको हम नाम दे देंगे 1। 1 को और 2 को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, i प्लस आई मिलेगा 2i, 2 to 3 इधर मिलेगा रूट एक्स बाई 5 - x प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस इधर मिलेगा 2 to 3 5 - x डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 5 - x डी एक्स। अब देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है एज वेल एज इंटीग्रेशन का जो रेंज है वो भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे ऐसे और हमको मिलेगा रूट एक्स ऊपर ऐड हो जाएगा प्लस ये भी ऐड हो जाएगा, हम सिंपली ऐड कर दिए। ओके, तो ये चीज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो गया तो काट के क्या मिलेगा 2 to 3 1 into dx विच इज dx। तो dx का इंटीग्रेशन x ही होता है और उसका 3 रेंज हो गया 3 to 2, तो इसका क्या हो जाएगा 3 - 2 विच इज 1। तो आपको समझ सकते हो 2i तो आप समझ सकते हो 2i इक्वल टू 1, दैट मीन्स i का वैल्यू 1/2। तो अपना जो ये इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन था, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2। आई होप आप सबको समझ में आए हैं, अगर आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।